यार यार आए? शादी का जोड़े कौन बनाते हैं यार? अरे भगवान ने बनाते हैं रे। भगवान? हाँ। ओ तेरी, क्या हुआ? हम तो दर्जी के दे आए यार। अरे ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जी आज हमने स्टूडियो में कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है, वो हमें ये बताएंगे कि टिकटॉक को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हैं और टिकटॉक के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जी आज जिस टिकटॉक को इनके बात कर रहे हैं वो अब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, कि ये हैं दुर्दाना ईमान, टिकटॉक की बहुत ही फेमस, क्या कहते हैं आप इसको, जैसे हम हैदराबाद के हैं तो हैदराबादियन टिकटॉक वालों क्या कहते हैं, टिकटॉकर्स। तो ये फेमस हैदराबाद की टिकटॉकर है और बड़ी मुश्किल से हमने उनको हाथ किया, तो आई है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं। नहीं, आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नहीं, यू आर वेलकम। और सीन ये है कि भाई मैं हूँ बड़ा बेसिक यूजर टिकटॉक का, ठीक है? सही। और 15-20 डेज मुझे हुए हैं टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी जो है एडवांस लेवल में चला जाऊँ, वरना एकदम से मैं रातों रात मशहूर हो जाऊँ। ऐसा यूं आ रहा हूँ, हर कोई मैं बाहर निकलूँ गली में सब कोई ऑटोग्राफ ले, बोले सर एक ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी वीडियोस बनानी पड़ेंगी और बहुत जल्दी आप लोग टिकटॉक पे फेमस हो जाओगे अगर आपकी वीडियोस अच्छी हैं तो। अच्छा, आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? मेरी एक फ्रेंड थी जो टिकटॉक यूज़ करती थी शुरू में, तो उसने मुझे कहा कि तुम भी टिकटॉक यूज़ करो ये वो, तो मैंने कहा ये क्या है, मैं नहीं कर रही ये वो, वैसे अजीब है। तो फिर क्या हुआ कि ना उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा, उसने मेरा अकाउंट भी बना दिया, बोला कि अब करो। फिर मैं जब ना टिकटॉक यूज़ करने लगी तो फिर फॉलोअर्स जब मैंने देखे, मैंने कहा बहुत जल्दी फॉलोअर्स आ गए ना, फिर मैंने कहा कि बस ठीक है अब बनाती हूँ। फिर मैं वीडियोस बनाती रही और फिर ऐसे बस फॉलोअर्स आ गए। ये जो टिकटॉक आप करती है, ये दिन में कितनी वीडियोस फेंकने चाहिए? मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी हो, पर एटलीस्ट दिन में 2 या 3 वीडियोस होनी चाहिए ज़रूरी। अगर आपको मतलब रेगुलर रहना है और आपको बहुत फॉलोअर्स चाहिए तो दिन में 2 या 3 एटलीस्ट होनी चाहिए। वीडियो कितने सेकंड्स का बनाना चाहिए? 15 सेकंड्स के अंदर आप अपना पूरा वीडियो पूरा करें, कम भी कर सकते हैं पर मतलब नॉर्मली जो होता है वो 15 सेकंड्स ही होता है। तो 15 सेकंड्स के अगर 2 से 3 वीडियोस मैं भी रखूं तो मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका भाई ये भी जैसे ये घर जाएंगी तो मैं वीडियोस फेंकूंगा और मैं रातों रात फेमस। ये कोई सीन है क्या, अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है, किसी ने आपको फॉलो किया तो आप भी उसको फॉलो करो वापस, फॉलो बैक कहते हैं शायद? मेरे ख्याल से तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब स्टार्ट में अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर भी सकते हो। मेरी एक फ्रेंड थी वो ऐसे करती थी पर मैंने तो ऐसे नहीं किया, तो मतलब मेरा तो नॉर्मल जा रहा है, सब सही है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर एक लड़की टिकटॉक बनाती है तो उसको बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं, अगर लड़का बनाता है तो बहुत थोड़े थोड़े थोड़े। इसका मतलब ये है लड़कियां अच्छी वीडियोस बनाती हैं। ना जवाब आपने कर दिया, हम लड़कों को कुछ भी नहीं आता भाई, हम लड़के मतलब किसी काम के नहीं है। मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन मुझे हुए हैं, ठीक है, टिकटॉक मैंने इंस्टॉल किया है। सही। लेकिन मेरे व्यूज, अब मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि दिन में 2-3 वीडियोज छोटे छोटे से अपलोड करता हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मुझे याद है कि दुर्दाना ने मुझे मैसेंजर पे एक टेक्स्ट किया था कि सर ये वाले टैग्स यूज़ करें तो आपको जो है बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, इसकी क्या कहानी है? सर वो जो ट्रेंडिंग पे जो साउंड्स होते हैं, एक तो हमारी साउंड की कलेक्शन जो हम टिकटॉक पे बना रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए जो ट्रेंडिंग में है, और जो हैशटैग ट्रेंडिंग में है वो भी आपको यूज़ करना चाहिए ताकि उसके साथ साथ आप ट्रेंडिंग में रहें और आपकी वीडियोस जो हैं वो सबकी वॉल पे नज़र आती रहे, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है और आपने उस पर हैशटैग्स नहीं लगाए तो 50% चांस है कि वो ना फेमस हो जाए वीडियो, पर अगर आप उसके साथ हैशटैग यूज़ करोगे तो वो ज़रूर होगा, अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो ज़रूरी। पर सबसे मेन चीज़ ये आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, अगर आप किसी की कॉपी करोगे तो आप जिसकी कॉपी कर रहे हो उसके लिए फ़ायदा है, आपके लिए कोई नहीं है। Okay. तो आप ना हमेशा अपने बनाओ, खुद अपना एक नया ट्रेंड बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें, ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप किसी को फॉलो करो और वीडियो बनाओ। तो जो वीडियो अब अलग होती है, हटके होती है, उस पर ज़्यादा लाइक आते हैं, ये ज़रूरी मेन बात है। अच्छा, इसके अलावा टिकटॉक के अलावा ऐसी कोई वेबसाइट्स पे आप मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कुछ करती हैं जिससे आपको टिकटॉक पर और फॉलोअर्स आते हैं? नहीं, टिकटॉक की वजह से दूसरी वेबसाइट्स पे आते हैं फॉलोअर, स्नैपचैट्स पे भी आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, हर कहीं पे, पर किसी और वेबसाइट के करे वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल है।
मतलब आप कहते हैं कि टिकटॉक आजकल इतना ऊपर आ गया है कि वो दूसरे वेबसाइट्स को, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल। और दूसरी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, किसी वक्त में फेसबुक बड़ा अपहुआ करता था सही। कि भाई फेसबुक पे आप जाओ उसके बाद आप दूसरे आपको फेम मिल जाता है, लेकिन सही, अब सही। ये उल्टा हो गया, अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया। आजकल आप थोड़ा देखेंगे कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वो टिकटॉक के बड़े खिलाफ हो रहे हैं कि ये टिकटॉक क्यों है, ये अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह इस बारे में, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ड्रामों में वगैरह और फिर जाके वो फेमस होते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखो आजकल तो एक नॉर्मल अगर कोई अच्छे टिकटॉक बना रहा है तो वो भी उसको भी उतनी फेम मिल रही है। तो ये थोड़ा आसान हो गया, जो इंसान है जो अपने आप को ना फेमस नहीं कर सकता, मतलब कि वो टीवी पे नहीं आ सकता, तो उसके पास ये ना अच्छा खासा मतलब चांस है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और आप में कोई टैलेंट है और आप दिखा रहे हो तो आपको लाइक और फॉलोवर्स ज़रूर मिलेंगे। आपको किसी टीवी पे जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है मार्केट में खड़े हुए होंगे, मॉल्स में खड़े हुए होंगे, डांस कर रहे होंगे और टिकटॉक बना रहे होंगे, कभी आपने इस तरीके से किया? डांस वगैरह करके नहीं, पर मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी थी तो मैंने ऐसे ही मतलब कहा कि मैं बनाती हूँ, एक वो साउंड इस तरीके का था तो मैंने वो एक रेस्टोरेंट में बनाने की लगी, तो मैं जैसे ही वहाँ पे मैंने उधर फ़ोन रखा और मैं शुरू हुई तो सब देखने लग गए तो ये वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है बाहर वगैरह, पर बस करना पड़ता है। मतलब हम यूट्यूबर्स ढीठ हैं, इतना बड़ा कैमरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं और ये करके हम बोलना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी कोई काम कर रहे हैं तो लोगों की बातें सबसे पहले आती हैं, हाय हाय देखो क्या कर रहा है, देखो सही, क्या सही। कर रही है, तो कभी इस तरह का हुई बात? हाँ पहले होता था, पर मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप गलत हो तो फिर आपको लोग ज़रूर कुछ कहेंगे तो फिर आपको बुरा भी लगेगा, पर आप अगर गलत नहीं हो तो अपनी लिमिट में हो तो फिर वो बस आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लिमिट जी, लिमिट पर हैं आप, सही, मेहरबानी करके लिमिट पर आ गए। नहीं मैं अब डायरेक्टर साहब से बात अच्छा। मैं आवाम को कुछ नहीं कह रहा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जी अब हम शुरुआत करेंगे मेन कहानी कि आखिर ये टिकटॉक को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, मतलब इसके टिप्स एंड ट्रिक्स तो हल्के फुल्के ये बताती भी रही हैं साथ में, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, मैं बड़ा अनाड़ी हूँ उसमें। अब मुझे इसके, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से टिकटॉक इंस्टॉल करना पड़ेगा जी। टिकटॉक इंस्टॉल कर लें उसकी बात की कहानी है। चलें, अब टिकटॉक मेरा इंस्टॉल हो चुका है, सबसे पहले हम स्क्रीन को रिकॉर्ड पे लगाते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। चले दुर्दाना, अभी ये फोन आपके हवाले और देखिए ये टिकटॉक पड़ी हुई है ऐप आपके पास। देखिए जब आप न्यू टिकटॉक पे आ रहे हैं तो ना अब आपको पहले तो आपको जरूरत है फॉलोअर्स बढ़ाने की, तो आपको सबसे पहले जाना होगा कोई अच्छा साउंड सेलेक्ट करें जिसके व्यूज, जिस पे वीडियो ज्यादा बनी हुई है, जो ट्रेंडिंग पे साउंड है। चले मतलब ये दुर्दाना जो है अपनी आईडी से कुछ उठाएंगे और उसको फिर हम अपने स्टाइल में। हाँ भाई तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? पापा वो प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया। अबे गधे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो आप कौन सा प्रधानमंत्री हो जो आपका लोंडा पास हो जाता? एक टिकटॉक बन गया हमारा, एक टिकटॉक हमारा बन चुका है। अब हमने एक टिकटॉक बनाया है और इसको हम फिर अपलोड भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि मुझे हैदराबाद की क्वीन से कितना फेवर मिलता है और मुझे कितने व्यूज आते हैं और कितने फॉलोअर्स आते हैं। भाई देखिए वैसे सोशल मीडिया का एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर आप लोग एक को सपोर्ट करेंगे तो वो जब हिट हो जाता है तो वो आपको फिर सपोर्ट करेगा। जिस तरह अगर ये हिट है, ये मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं इनके आश्रय हिट हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस पूरी चैट को बड़ा एंजॉय किया होगा, कुछ चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इवन मैं बिल्कुल बेसिक्स में बहुत वीक था, मैं वो भी सीखी है, इवन जो ये टिप्स देकर गई आज मैं शायद इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ, अभी एडवांस लेवल पर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। लाइक तो आप कर ही देंगे ना? सही, कुछ आप बोल नहीं सकते ऐसे। बस थैंक यू सो मच आपने बुलाया, और प्लीज़ ना सराशी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आशी डेली व्लॉग्स, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, ज़रूर देखिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच ईमान, बहुत मज़ा आया दुर्दाना ईमान जी। तो जी इनका जो टिकटॉक का जो लिंक है वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, ज़रूर देखिएगा। और आशी डेली व्लॉग्स को आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ तो कर दें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सिया।
डॉक्टर साहब आप बिना दर्द दिए दांत निकाल सकते हो? नहीं तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे?